संडे मॉर्निंग है, वड़ा पाव तो बनता है, मगर इसके साथ कुछ मिसिंग है ना? क्या सोच रहे हो? चाय ऑब्वियसली यार, इसके साथ चाय चाहिए। चलो ढूंढते हैं। The passion and love for cars, it developed at a very young age. Most passionate about cars, I love them. It's a big part of my life. Before I started driving on roads, I started driving on the field. वहाँ पे तो बहुत सारे checks होते थे कि मेरी bat सही है या नहीं, मेरे gloves सही है या नहीं, मेरे leg guard सही है या नहीं, पूरा kit। हमारे सर ने यही कहा था कि यू नो यू लुक आफ्टर योर गियर एंड द गियर विल लुक आफ्टर योर गियर। वैसे गाड़ी भी, गाड़ी और रास्ते के बीच में जो एक कॉमन फैक्टर होता है वो टायर ही होता है। अगर टायर की कंडीशन सही ना हो तो यू कैन लैंड योर सेल्फ इन बिग ट्रबल। और जैसे मेरी मैच के पहले प्रिपरेशन होती थी, वैसे ही ड्राइव करने के पहले भी थोड़ी बहुत चेक होती है गाड़ी की कि सब कुछ इज एन ऑर्डर और नॉट, एंड देन ओनली वन स्टार्ट्स ड्राइविंग। ठीक, रोड सेफ्टी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ जो हाई बीम पे चलाते हैं उन्हें तो सब कुछ नज़र आ रहा होता है, सामने से जो आ रहा है ट्रैफिक, वहाँ बहुत बार यू गेट ब्लाइंडेड, एंड व्हेन यू गेट ब्लाइंडेड एनीथिंग कैन हैपन। ऐसी चीज़ों को लाइटली नहीं लेना। व्हेन इट हैपेंस इन योर ओन फैमिली दैट्स व्हेन यू फील द पेन। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ फ्रेंडली मैसेज, डिम लाइट पे गाड़ी चलाएं। एक स्टोरी है, जब हम मसूरी से तेरी डैम में गए थे, पहाड़ों में रास्ते भी बहुत नैरो होते हैं और थोड़े ऐसे पैचेस थे जहाँ पे डर्ट रोड्स थे कि गाड़ी को जितनी चाहिए उतनी टार रोड पे जितनी होती है ग्रिप वैसे नहीं मिलती, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ता है और इफ़ यू नॉट यूज्ड टू इट इट कैन रियली गेट स्कैरी। तो मैं थोड़ा रेस्टलेस पैसेंजर था उस समय, मैं कहूँगा। मेरा दोस्त चला रहा था गाड़ी, एंड ही वाज प्रीटी काम। वो मुझे कह जा रहा है डोंट वरी नथिंग इज हैपनिंग ऑल, और गाड़ियाँ बेयरली एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, हार्डली एनी जगह थी आजू बाजू, और अनफॉर्चुनेटली हम बाहर की तरफ थे बिल्कुल। तो मैं नीचे देख रहा था, ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार फीट की हाइट पे थे हम, तो मैं उसे यही कह रहा था मुझे यहाँ से नीचे नहीं जाना है भाई, तू संभल के चलाना गाड़ी। और हम जब देरी डैम पहुँचे तो कैन यू बिलीव इट, हमें ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगे थे, मगर 2-2.5 घंटे माई हार्ट वॉज इन माई माउथ, इतना डर गया था मैं। तो वहाँ पे जाके देरी डैम एंजॉय करने के बजाय मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चालू था, 2-2.5 घंटे वापस बैठना है, उसी रास्ते से वापस जाना है। आई वॉज एक्चुअली कॉन्टेम्प्रेटिंग कि क्या मैं चॉपर से जा सकता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर पकड़ के जाऊँ, मगर वहाँ पहाड़ों में मुझे हेलीकॉप्टर में भी नहीं बैठना था, तो दोनों तरफ से मैं अटका हुआ था। इवेंचुअली वी एंडेड अप ड्राइविंग, और मैं सामने वाले की गाड़ी के टायर्स की तरफ देखता रहा। आई न्यू दैट देवर अपोलो टायर्स बाय द वे, क्योंकि रास्ते जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े कच्चे रास्ते थे, थोड़े रोड्स की कंडीशन ठीक नहीं थी, उसमें मुझे आगे वाली गाड़ी के टायर ने साथ दिया। तो आई वुड से बैड रोड बॉडीज माय अपोलो टायर्स। व्हेन यू हैव अपोलो टायर्स एज योर कंपेनियन, ऑल रोड्स लीड टू गुड प्लेसेस। लुक एट मी एंजॉयिंग अ गुड कप ऑफ टी।